कहते हैं जहां चाह है वहीं राह है, ऐसा ही कुछ इंदौर के युवराज दीक्षित ने कर दिखाया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सिविल जज के एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। इस एग्जाम में इंदौर के युवराज दीक्षित ने पहला स्थान प्राप्त किया है। जानकारी के मुताबिक उनके पिता इंदौर नगर निगम में दारोगा हैं और मां शारदा कन्या विद्यालय में टीचर हैं। युवराज की माने तो पहले प्रयास में सिर्फ एक नंबर से रह गए थे, जिसके बाद उन्होंने दूसरा प्रयास किया और सफल रहे। मेरी फर्स्ट रैंक आई है, ईश्वर की अनुकंपा से प्रथम स्थान जो है मुझे हासिल हुआ है। और इसमें जी ये AIR रैंक ही होती है, क्योंकि सभी स्टेट्स के बच्चे इसमें अपीयर होते हैं और इसमें परसेंटेज नहीं होता है, इसमें नंबर ही होते हैं। तो टोटल 450 में से मुझे 304 प्लस मार्क्स जो हैं वो मिले हैं जी। इसके पहले मेरा एक अटेम्प्ट हो चुका है और उसमें मेरा एक नंबर से दुर्भाग्यवश रह गया था। और ये तैयारी करते हुए मुझे लगभग 3.5-4 साल हो गए हैं और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और ईश्वर के अनुकंपा से जैसा मैंने कहा मुझे प्रथम स्थान हासिल हुआ इस प्रयास में। जी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, एक हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे पिताजी की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने एक साइकिल की दुकान से अपने जीवन की शुरुआत की थी और तत्पश्चात वो नगर निगम में कार्यरत हैं तब से। मेरी माताजी श्रीमती मंजू दीक्षित जो हैं वो एक टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और मेरी सिस्टर भी जो है वो इसी तैयारी में है मेरे साथ है। और ये मेरा बैकग्राउंड है फैमिली का जी। एक्चुअली मैंने एक बुक पढ़ी थी, नीदर रोजेज नॉर थ्रोन्स बाय ऑनरेबल जस्टिस HR खन्ना, और उन्हीं को देखकर उनका काम देखकर, लगभग सभी जानते होंगे इंदिरा गांधी जी का फेमस केस है, जस्टिस HR खन्ना ने उसमें रेजिग्नेशन दिया था सुप्रीम कोर्ट से, और उनका वो डेडिकेशन देखकर, ये चीज़ देखकर कि कोई व्यक्ति न्याय से इतना प्रेम कर सकता है कि वो एक इतनी ऑनरेबल पोस्ट सुप्रीम कोर्ट जस्टिस की भी त्याग कर सकता है, वो देखकर मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। वो बुक से ही मुझे इंस्पिरेशन मिली थी और तभी से मेरे मन में था कि मुझे भी जो है वो एक ऐसी ही संस्था का पार्ट बनना है जो लोगों के लिए इस प्रकार से काम करती है और न्याय जो है वो देती है। जिनसी में रहने वाले युवराज ने साल 2020 में वैष्णव कॉलेज से BA LLB किया था। CJ की तैयारी के लिए कोचिंग करने के साथ सेल्फ स्टडी की। पिछली बार सिर्फ एक नंबर से रह गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुल 450 अंकों में से 304.33 अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में पहली रैंक के साथ एग्जाम क्लियर किया। युवराज की सफलता से पूरा परिवार गदगद है। आपको बता दें 2021 में 156 रिक्त पदों के लिए परीक्षा हुई थी। इन पदों में से 4% पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित है। चयन सूची में अनारक्षित वर्ग के 79, OBC के 37, SC के 26 और ST के 5 अभ्यर्थी शामिल हैं। युवराज बचपन से ही न्यायिक सेवा में जाना चाहते थे, जिसको देखते हुए उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया और इसी के साथ CJ की तैयारी शुरू कर दी थी। MP सिविल जज जूनियर डिवीजन एंट्री लेवल एग्जाम के लिए बाकी तैयारियां खुद की, लेकिन राज्य में जो कानून विशेष तौर पर चलते हैं उनके बारे में अलग से पढ़ाई करने और उन्हें आसान भाषा में समझने के लिए टीचर की मदद लेनी पड़ी, जिसमें प्रमोद भटेले ने काफी मदद की। युवराज बताते हैं कि जब भी मुझे कोई समस्या आती थी या फिर कोई कानून समझ में नहीं आता था तो वो बेहद सरल भाषा में समझाते। पहली बार असफल होने के बाद कड़ी मेहनत की। सिर्फ 12-12 घंटे पढ़ाई करने में सफलता हासिल नहीं होती, बल्कि लक्ष्य के मुताबिक रणनीति बनाकर पढ़ने से ही सफलता मिलती है। बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो आपको जरूर मिलती है। Thank you.